अच्छा, वीक वीक टू क्लास टू, इसमें जो है ना बेसिकली हम जो स्टैंडर्ड्स इन्होंने बनाए थे वेब के रिलेटेड, वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे जो टिम बर्नर्स-ली एंड इसके अलावा जो वर्ल्ड वेब साइट वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम W3C की ऑर्गेनाइजेशन जब बनी थी, तो उन्होंने जो है ना वेब वर्ल्ड वाइड वेब के रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड क्राइटेरियाज बनाए थे, ठीक है। द अर्ली वेब कम्युनिटी प्रोड्यूस सम रेवोल्यूशनरी आइडियाज दैट आर नाउ स्प्रेडिंग फर बियॉन्ड द टेक्नोलॉजी सेक्टर, ठीक है। अच्छा, जो अर्ली वेब कम्युनिटी थी उन्होंने कुछ रेवोल्यूशनरी आइडियाज प्रोड्यूस किए थे, ठीक है। और वो जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज थी वो काफी हद तक स्प्रेड हुई थी फर बियॉन्ड द टेक्नोलॉजी सेक्टर, मतलब टेक्नोलॉजी सेक्टर के साथ साथ उस आइडिया ने उस उन आइडिया से और जो सेक्टर्स थे फील्ड्स थे उन्होंने भी काफी हद तक फायदा उठाया था, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले आ जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन ये है दैट नो परमिशन इज नीडेड फ्रॉम सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब डेटाबेस की बात हो रही है या जहां से वर्ल्ड वाइड वेब कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन मीन देयर इज नो नीड ऑफ परमिशन फ्रॉम अ सेंट्रल अथॉरिटी टू पोस्ट एनीथिंग ऑन द वेब, ठीक है। मतलब वेब पे कुछ पोस्ट करने के लिए आपको परमिशन देने की नीड नहीं होगी सेंट्रल अथॉरिटी से। नो सेंट्रल कोडिंग कंट्रोलिंग नोड परमिशन ना लेने के साथ साथ कोई भी जो है ना सेंट्रल कोडिंग कंट्रोलिंग नोड नहीं होता। सेंट्रल कंट्रोलिंग नोड मतलब जो कनेक्शंस वगैरह होते हैं, ठीक है, जहां से वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसकी भी कोई जरूरत नहीं होती। एंड नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, ठीक है। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड तो इनका ये था W3C का के वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो मस्ट डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, ठीक है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, नॉन डिस्क्रिमिनेशन ये है कि इफ मैं गरीब व अमीर को नहीं देता, अगर मैं नेट के लिए पे कर रहा हूँ और कोई अमीर बंदा भी नेट के लिए पे कर रहा है तो सबको एक जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। इफ आई पे टू कनेक्ट टू द इंटरनेट विद अ सर्टेन क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, ठीक है, और दूसरा बंदा है वो भी पे कर रहा है कि वो भी अपने आप को कनेक्ट करे विद दैट जिस क्वालिटी के साथ मैंने क्वालिटी ऑफ सर्विस के साथ मैंने अपने आप को कनेक्ट किया हुआ है, या उससे ज्यादा अच्छे क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए सर्विस के साथ वो कनेक्ट होना चाहता है, तो यहाँ पे क्या है देन वी कैन बोथ कम्युनिकेट एट द सेम टेबल, ठीक है। हमारे जो कम्युनिकेशन लेवल है, जो हमारी एक्सेस ऑफ इंटरनेट है, वो क्या होनी चाहिए, वो सेम लेवल पे होनी चाहिए। इस प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इक्विटी मीन इक्वेलिटी, ठीक है, इसको उन्होंने नेट न्यूट्रलिटी का नेम भी दिया हुआ है, ठीक है। बॉटम अप डिजाइन ये है कि जब वर्ल्ड वाइड वेब डिवेलप हो रहा था तो उस दौरान जो कोडिंग वगैरह हो रही थी या जो वेब की जो कंट्रोलिंग सिस्टम था, बेसिकली इंस्टेड वो एक स्मॉल ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट से कराते ये चीजें, उन्होंने क्या किया हुआ, इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब को जो है डिवेलप किया इन फुल व्यू ऑफ एवरीवन, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको कहा जब वर्ल्ड वाइड वेब सर्न ने जब परमिशन दी तो जो टिम बर्नर्स-ली है उसने जो है ना आउटसाइड द सर्न पब्लिक को इनवाइट किया कि वो भी जाके पार्टिसिपेट करे इसकी डेवलपमेंट में, ठीक है। तो बॉटम अप डिजाइन में क्या हुआ कि इसको जो है पब्लिक के सामने जाके डेवलप किया, ठीक है, सबको जो है ना इनकरेज किया कि वो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करे इसकी डेवलपमेंट में और मैक्सिमम एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ जाए, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं कंसेंसस। अच्छा, जो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स है फॉर वर्ल्ड वाइड वेब उसे यूटिलाइज करने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट के हर इंसान उससे एग्री करे, ठीक है। जो टिम बर्नर्स-ली था और अदर्स थे दे अचीव दिस कंसेंसस
कंसेंसस बाय गिविंग एवरीवन अ से इन क्रिएटिंग द स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इन्हें क्या किया था, टिम बर्नर्ली ने और उसके जो सराउंडिंग लोग थे उनने ये कंसेंसस कैसे अचीव किया था, उनने हर किसी को जो है ना फ्री हैंड दिया हुआ था कि वो क्या करे, दैट इन्होंने जो स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या किसी ने इसमें कुछ कहना है या रद्द बदल कहना है तो दे आर फ्री टू से। ठीक है, वो जो है ना जो उन्होंने लोगों को इनवाइट किया हुआ था। और इसके अलावा इन्होंने जो है ना एक प्रोसीजर रखा हुआ था इन क्रिएटिंग द स्टैंडर्ड्स थ्रू आउट ट्रांसपेरेंट एंड पार्टिसिपेटरी प्रोसेस। ठीक है, AW3C। ठीक है, तो पार्टिसिपेशन के साथ साथ इन्होंने एक ट्रांसपेरेंट पार्टिसिपेटरी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया हुआ था, जिसके थ्रू लोग जाके जो है रिस्पॉन्स देते थे रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड, वेदर उसमें कुछ चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली कंसेंसस थे रिलेटेड टू वर्ल्ड वाइड वेब। फिर इसमें यूनिवर्सलिटी आ जाती है। ठीक है, फॉर एवरी वन टू बी एबल टू पब्लिश एनीथिंग ऑन द वेब। ठीक है, लाइक हर किसी के लिए जो भी ये चाहता है कि वो कोई चीज पब्लिश करे वर्ल्ड वाइड वेब पे। ठीक है, All the computers involved have to speak the same language. ठीक है, अब ये जरूरी है कि सारे कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है या जो लैंग्वेज कंप्यूटर बोल रही है वो सारे कंप्यूटर्स में दुनिया में जितने कंप्यूटर है उन सब की जो है सेम लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, नो मैटर एक कंट्री है उस एक बंद या एक बंदा है जो कंप्यूटर यूज कर रहा है या वर्ल्ड वाइड वेब यूज कर रहा है, उसकी वो कौन सा हार्डवेयर यूज कर रहा है या कौन सा सिस्टम यूज कर रहा है या वो कहाँ पे रह रहा है या उसकी कल्चर क्या है या उसकी पॉलिटिकल बिलीव्स क्या है, दैट डजंट मैटर। ठीक है, इन्होंने यूनिवर्सलिटी रखी हुई है सब के सब लोगों के लिए, जो कंप्यूटर यूज कर रहा है, जो इंटरनेट यूज कर रहा है, जो वर्ल्ड वाइड वेब यूज कर रहा है, उन सब के लिए इन्होंने यूनिवर्सलिटी रखी हुई है, सबके लिए सेम लैंग्वेज रखी हुई है जिसके थ्रू कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, सिंस द डे इन विच द फर्स्ट वेब साइट वॉज पब्लिश एट द सर्न। ठीक है, जिस दिन से वो पहला वेबसाइट पब्लिश हुआ है सर्न ऑर्गेनाइजेशन से, तो क्या हुआ, द वेब हैज बीन इवॉल्विंग एट एन इनक्रेडिबल रैपिड पेस एवोल्यूएटेड। ठीक है, तो उस टाइम से जो वेबसाइट है उसमें काफी स्पीड रैपिड रेस से जो है चेंजेस हुए हैं, डेवलपमेंट आई है। ठीक है, दैट्स ड्यू टू पार्टिसिपेशन, दैट्स ड्यू टू एक्सपेरिमेंटेशन, इसलिए ये रैपिड चेंजेस आई है। ठीक है, और साथ साथ में वेब पेजेस भी डेवलप हो रहे होते हैं, तो उन्होंने अंदाजा लगाया है कि 2005 में तकरीबन 7 मिलियन न्यू पेजेस अ डे जाके डिवेलप होते थे। ठीक है, अभी जो साइज है करंटली साइज ऑफ द वेब वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो तकरीबन एस्टिमेटेड 22 बिलियन पेजेस है। ठीक है, जो अभी करंट वेब वर्ल्ड वाइड वेब की जो साइज है वो एस्टिमेटेड 22 बिलियन वेब पेजेस है, 2005 में वो 7 मिलियन था, अब 2021 में 22 बिलियन पेजेस है। ठीक है, अच्छा, द वेब इज बाय फार द मोस्ट यूज्ड एप्लीकेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, दैट्स ट्रू दैट वेब के अलावा आप लोग एक्सेस ही नहीं कर सकते, वेब सर्वर ही सब कुछ आपका कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, वेब सर्वर परमिशन या इजाजत नहीं दे रहा तो आप एक वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते। इन फ्यू डिकेड अगर हम देखें तो इस वर्ल्ड वाइड वेब ने क्या किया, ह्यूमन बिहेवियर को रेवोल्यूशनाइज किया हुआ है, रीऑर्गेनाइज कर दिया है इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी या मॉडर्न इंटरनेट ने। ठीक है, और इसके वजह से जो हमारी वे ऑफ स्टडी है, हमारे कम्युनिकेशन, हमारे बिजनेस, हमारे जो सर्विसेज है, तो उसमें भी जो है ना काफी हद तक चेंजेस आई है। ठीक है, अच्छा, अब हम कैसे यकीन से कह सकते हैं कि इसकी वजह से हमारी डेली लाइफ सच एज पढ़ाई, एकेडेमिया, इंडस्ट्रीज या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स वगैरह इन्फ्लुएंस हो गए हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इन प्रैक्टिस द वेब
इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मीडिया, ठीक है। अगर हम प्रैक्टिकली देखें, जो वेब है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन मीडिया है, ठीक है, और एक डिसेंट्रलाइज्ड मीडिया इंफॉर्मेशन मीडिया है। डिसेंट्रलाइज्ड मीन एक सेंट्रल जगह है जहां से पूरे दुनिया के मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स की जो वेबसाइट्स है वो कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है। एक सब वेब सर्वर सारी चीजें कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इट कंप्राइज बाय मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स स्प्रेड ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। गिवन इट्स इनहेरेंट मल्टीडिसिप्लिनरी, अगर हम देखें तो वेब जो है एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है। कैसे? लाइक इट हैज कैप्चर्ड मीन खींचना, अट्रैक्शन, द इंटरेस्ट ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम वेरी डिफरेंट एकेडमिक डिसिप्लिन्स, ठीक है। डिफरेंट एकेडमिक डिसिप्लिन्स के साथ जो साइंटिस्ट होते हैं उनकी इंटरेस्ट को जाके इसने वो किया हुआ है। अच्छा सॉरी, ड्यू टू असर अजान मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप की थी। हम कंटिन्यू करते हैं अपने सेकंड लास्ट उससे जो लाइन है। अच्छा, इसकी वजह से जो है ना, बेसिकली जो वेब है, ड्यू टू इट्स मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर, इट कैप्चर इट अट्रैक्ट द इंटरेस्ट ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम डिफरेंट एकेडमिक डिसिप्लिन्स, जिसमें और प्रोफेशनल स्पेशलाइजेशन, जिसमें फिजिक्स आ जाता है, मैथमेटिक्स आ जाते हैं, कंप्यूटर आ जाता है, कंप्यूटर साइंटिस्ट आ जाते हैं, सोशियोलॉजिस्ट आ जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट, ठीक है। अगर आप लोग देखें तो जितने भी आजकल रिसर्चेस हो रहे हैं तो वो कंप्यूटर के बगैर पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। द नीड टू एंटिसिपेट मीन एक्सपेक्ट करना, ठीक है। द नीड टू एंटिसिपेट फ्यूचर डिवेलपमेंट्स, ठीक है, एंड इनकरेज मल्टीडिसिप्लिनरी कोलैबोरेटिव रिसर्च, ठीक है। That has recently motivated the world, the web research, the web science research initiative, which aims to the creation of the new discipline of web science. ठीक है, अब जो expectation है future developments की और जो encouragement है किस चीज की, multidisciplinary collaborative research की, उसने क्या किया, has recently motivated the web साइंस रिसर्च इनिशिएटिव, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मोटिवेशन मिली है किस चीज से, डेवलपमेंट एंड इंकरेजमेंट ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी कोलैबोरेटिव रिसर्च की वजह से, और इसकी एम ये है कि वो क्या क्रिएट करे न्यू डिसिप्लिन ऑफ वेब साइंस को, ठीक है। यहाँ तक आपका वीक टू का क्लास टू था, लास्ट टू स्लाइड्स हम इंशाल्लाह वीक टू क्लास थ्री में करेंगे।